हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हाउ आर यू? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं ही मस्त हूँ। आप सबको मेरा प्यार भरा पहला प्रणाम, नमस्कार। और आज है 22 जनवरी, तो आज है भाई अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा। तो पूरा अयोध्या ऐसा सजा हुआ है, अयोध्या के साथ साथ पूरा भारत सजा रखा है और हर घर घर में कहते श्री राम जी के ध्वज लगे हुए हैं। कहते लोगों के वहाँ घरों में मालाएं हैं, वो है पूरा दिवाली सा माहौल बनाया हुआ है यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हमारे पापा का भी बहुत सहयोग रहा इसमें। उस समय तो हमारे पापा बताते थे कि जब बाबरी मस्जिद हुआ करती थी उसको तोड़ा गया था, तो यहाँ से कोई सुविधाएं भी नहीं थी। तो इस समय तो यहाँ पर कहते मतलब मोदी जी द्वारा बस हल्द्वानी टू अयोध्या के लिए बस भी अवेलेबल हो चुकी है। तो उस समय तो ट्रेनों से ही जाया करते थे और वहाँ रात में ही कहते मस्जिद को तोड़ा जाता था और जो उसका मलबा होता था वह रातों रात वहाँ नदी में बहाया जाता था। तो ऐसा ऐसा मतलब बाबू बताते थे हमारे। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा भारत हमारा कहते अयोध्या है। और हाँ, मैं आज आपको बताना भी भूल गया था कि आज हमारे पार्षद साहब वार्ड नंबर 55 अमित बीस जी उर्फ चिंटू दा, तो उनके वहाँ भी आज उनने होटल खोला है। तो वहाँ आज कहते हैं सुंदरकांड का प्रोग्राम भी रखा है और साथ में होटल का उद्घाटन भी है। तो आज मैंने वहाँ को भी जाना है। तो अभी चलता हूँ पहले शॉप को, फिर मिलते हैं आपसे अभी सीधे शॉप में पहुँच के। बाय फ्रेंड, पहुँच गया था शॉप में और यहाँ आज सुबह से ही जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और ये झंडा तो मैंने यहाँ पर कल रात ही लगा दिया था, लेकिन ये लगेगा हमारे घर में। और अभी एक और लेके आता हूँ कहते यहाँ लगाने के लिए बाहर। ओ सर तो पहुँच गए, जय श्री राम। यार कोई झंडा उंडा तो दो एक खत्म हो गया, यही देखो यार बाहर तो लगाता हूँ। जय बनी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई अपना झंडा तो यहाँ पर लग चुका है जय श्री राम का, और अब हम चाहते हैं। हाँ बेटा, क्या चाहिए? हेलो रोहित भाई, जय श्री राम। फ्रेंड नाश्ता वगैरह भी हो चुका है और अभी मम्मी का फोन आता ना, अभी वो आने वाले हैं। तो आज आने वाले हैं गौरी और विजिता के टीचर होम विजिट के लिए। अच्छा, मेरे नहीं आने वाले, वो आ गए। अच्छा, आ गए गौरी के भाई। अच्छा, अरे यही है इनको बहुत लगा। नमस्कार मैडम। चलिए मैं घर पे, चलिए आप जा रहे हैं हम ये झंडा लगाने ऊपर। तो वह झंडा लेके आ रहे हैं और आज हम झंडा लगाएंगे तीन मजे में अपने। तो झंडा वगैरह करते हैं फिट। तो गौरी ने कहा ये सौभाग्य पापा मुझे दे दो झंडा लगाने का। तो मैंने कहा चल भाई दोस्त, तो गौरी तुम ही लगाओ आज श्री राम ध्वज अपने घर पे। अपना भी ध्वज और यहाँ पर भी अब आज बहुत से लोगों ने अभी मेरे पास फोन भी आए कि बहुत से लोगों ने यहाँ पर प्रसाद वितरण का प्रोग्राम रखा हुआ है। बहुत से लोगों ने अपने वहाँ सुंदरकांड वगैरह रखे हुए हैं और जगह जगह मंदिर तो ऐसे सजे हुए हैं और हर मंदिर में और बड़ी बड़ी रोड वहाँ कहते हैं आप मार्केट में देखें बड़ी बड़ी LEDs लगी है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। तो जाते हैं नीचे को, आज बच्चों के टीचर भी आए हुए हैं तो कहते थोड़ी देर उनसे बैठते हैं उनके साथ। आप डाउट बना के दूसरे दिन स्कूल में टीचर से बिल्कुल सबसे ज्यादा इजी ये रहेगा। अगर ये रेगुलर अगर पढ़ते ना मैम, तो इनको तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपना आराम से निकलता है इनका, करना तो इनको खुद ही पड़ेगा ना मैम। मुझे डॉट्स बहुत अच्छा मानते हैं। ठीक है,
क्या सिर्फ बता के फिर मैडम तो अच्छी तारीफ करी है। तो फ्रेंड्स इसके मैडम आई थी बिजू के, तो कह टीचर नहीं आ पाए पाठक जी क्योंकि वो हल्द्वानी से बाहर थे, तो कहते हैं इसके बारे में बता रही थी मैडम और वैसे कह रही थी बहुत अच्छी बच्ची है और बस थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान देना है इसने, तो ठीक है पढ़ाई में ध्यान देना है। और मैं भी होता हूँ अभी रेडी, और क्योंकि मैंने आपको बता ही रहा हूँ वहाँ को जाना है तो रेडी होता हूँ, फिर मिलते हैं आप सभी। सॉरी के टीचर से आए थे वो लोग भी चले गए हैं और अब हम जा रहे हैं अब जाके वहाँ सुंदरकांड में और उनका उद्घाटन भी है तो आपको मैं पहले ही बता रहा था। और अब सुंदरकांड तो मुझे मुश्किल लग रहा है, हम कहते हैं सुंदरकांड तक पहुँच जाएंगे क्योंकि दो यही बच गए हमें, तो अभी चलते हैं पहले फिर देखते हैं। पहुंच गए हैं चिंटूदा के होटल ओम कारा में, तो अभी जाते हैं अंदर को। तैयारी थे आने के लिए, अब वो क्या हुआ मम्मी का अचानक अरे मम्मी नहीं आएगा, मम्मी आप कहते मम्मी के पैर में दर्द होगा, तू भी रेडी थी वो तैयार आने के लिए, हाँ सुबह से और तो तीन बजे व्रत थे ना मम्मी के, हाँ तो सुबह से ठंडे पानी से वगैरह से नहा दिया हमने, आज सुबह से उनके पैर बिल्कुल लगी नहीं रहा, हाँ बड़ी वो आपको कर देती हो गए बच्चे आइए तो बड़ी बनिए फिर आएंगे मम्मी आएंगे बहुत तो बधाई आपको तो मम्मी ने टिकट भोजन करो। पहुंच गया था अभी ओम होटल पे और दादा लोगों से मिल गया, भाभी लोगों से मिल गया और बहुत पुराने लोग भी मिले यहाँ पर, तो जिसमें अभी हम ग्राम प्रधान थे तो इसी वजह से अभी हमारी ग्राम सभा में आता था, तो अभी यहाँ पे सब लोग मिले बहुत अच्छा लगा, तो अब मैं जो है खाना वाना भी हो गया है, खाना वाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं हम आपसे खाना खाने के बाद। वहाँ से निकले ही थे और यहाँ हमारा गाड़ी का तेल भी ख़त्म हो गया है, मैं तो खैर वैसे मेन में ही चलाता हूँ गाड़ी लेकिन ये ले जाने वालों ने आज मुझे खुद ही पैदल कर दिया। बहुत रन वांगू नाल रखा मैं जट तब जू ना गल बस दी मेरी जुत्ती विच पेट्रोल पंप के सामने।
करते हैं। आज बाइक ने अपनी सवारी करवा दी है तो पहुँच गए हैं पेट्रोल पंप है। 300 रुपये का आ जाएगा ना 5 लीटर। अच्छा मैं कह रहा हूँ 300 रुपये का 5 लीटर हो गया। तो तेल भी भर चुका है और अब हम पहुंचते हैं सीधे अपने घर। सर पहुंच चुके थे घर और वहां पर अभी हमारे दुकान के पीछे भी वो सामान डाल के गया है। बस सामान मैगी का सामान आया हुआ है और गौरी आ गई है। मेरे ख्याल से गौरी करके आएगी। नमस्कार। और शुरू हुआ नहीं अभी सुंदरकांड? तो भाई आज हमारे त्रिपाठी जी के वहां भी सुंदरकांड का प्रोग्राम रखा हुआ है। कहा? अच्छा हटते चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे राम आए फ्रेंड्स। शाम भी हो चुकी है और यहाँ गौरी का भी धूप बत्ती होने लग गई है। संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित जय श्री राम के साथ। और बाहर हमारे जी के वहाँ सुंदरकांड भी शुरू हो चुका है और अभी जाते हैं अंदर एक बार देख के आते हैं। तो फ्रेंड पहुंच चुके थे शॉप में और यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसा माहौल है आज, बिल्कुल दिवाली जैसा हो रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम ब्रो। जय श्री राम। आओ आओ लगाओ गाड़ी। झंडा कहाँ तुम्हारा? अच्छा अच्छा आओ राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वो अभी ये रेखा दिखाई दे, इनको मैंने सामान दे देता हूँ। क्या तू दे दो बताया श्री राम। आ जाओ बैठो अंदर बैठो। हेलो सिद्धार्थ भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। तोला। अच्छा हरतोला गए थे? तुम तो कह रहे हो मित्र आ रहा कोई। हाँ। हेलो बेटा। जय श्री राम। जोर से गुड। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे पाठक जी क्या लिया है? मिठाई बम। मिठाई बम। मिठाई बम। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई अभी आ गए हैं पाठक जी और लेकर आए स्काई शॉट। तो अब ये हमारे दुकान के आगे से फोड़ेंगे इसको। जय श्री राम। अजय भाई थोड़ा जोर से बोलो यार, आवाज नहीं आ रही है। जय श्री राम। फ्रेंड घर पहुंच गया था और अरे बिज्जू क्या कर रहे हो बेटा? पढ़ाई चल रही है। प्रैक्टिकल की तैयारी। अच्छा कल प्रैक्टिकल है? यस। और बिज्जू भाई जब से वृंदावन से आई है तब से अपने काना को साथ में लेके घूम रही है। वो पहले से ही मेरे साथ। और आज तो कुछ ज्यादा ही इनने मेकअप कर रखा है काना जी का। तो ये जहाँ भी जा रही है वहाँ काना जी को अपने साथ में लेके जा रही है। और देखिए अपना दिखा रही है और बेसन लड्डू वगैरह सब चॉकलेट काना जी के लिए। गौरी का गौरी वहाँ होगी। अभी टीका भी सुंदरकांड में नहीं गया था? अच्छा
अच्छा हेलो 7 बजे से बैठा हूँ। नहीं यार अच्छा मतलब आज टीचर आई थी करके इसलिए उन्होंने कहा कल को ब्लॉग देखेंगे तो उन्होंने कहा भैया पढ़ने में लग गई थी 7 बजे से चलो करो फिर हाँ हमने कौन सी मीरा की ना मीरा को आया है ना ये कहानी अच्छा तभी तो कल सुबह नींद खुल गई जय श्री राम जय श्री राम। और वही पूजा क्या कर रहे हो क्या हो रहा है तैयारी हो रही है अरे किंग के लिए खाना अच्छा किंग को नहीं दिया क्या अभी दे आज क्या बनाया गडेरी की सब्जी अच्छा तो फ्रेंड्स आज बनी है यहाँ हमारे वहाँ गडेरी की सब्जी पनीर भुजी आहा टेस्टी यम्मी चलो फिर करो फिर हम इसी हाथ में होता फ्रेंड्स रात का भोजन भी हो चुका है और अभी यहाँ पर एडिटिंग ही कर रहा था और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और जय श्री राम लिखिएगा तो आज के ब्लॉग को भी फिर यहीं पे कर देते हैं समाप्त गुड नाइट शुभ रात्रि नमस्कार कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में जय श्री राम आज जश्न मनाओ।